हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई भी भाई और बहन अगर हरियाणा से बिलोंग करता है, हरियाणा जुड़ी हर अपडेट अगर वो टाइम टू टाइम जानता है, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि दोस्तों हरियाणा में आप कहीं से भी, पूरे हरियाणा में कहीं से बिलोंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों डेली किसी ना किसी जिले शहर गाँव के अंदर डिसीलेट जॉब्स निकल कर आती है, उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता, आपको पता तक नहीं चल पाता कि कौन से विभाग में क्या भर्ती निकल कर आ रही है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कैसे क्या अपडेट आता है। तो आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके दोस्तों, तो बिना टाइम खराब किए आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। क्या नोटिस आया है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज की जो भर्ती चल रही थी ड्राइवर कंडक्टर और हेल्पर की पोस्ट के लिए, जो सभी डिपो में फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे, ये अभी कुछ दिन की बात है। आप सभी ने, कई ऐसे ऐसे थे जिसमें तो अभी भी ऑनलाइन चल रहे थे, आज की भी एक की लास्ट डेट थी, दिल्ली के अंदर भी 20 तारीख शायद लास्ट डेट थी, 20 तारीख तक तो काफ़ी ऐसे ऐसे जिले थे जिसके अंदर लास्ट डेटें चल रही थी और काफ़ी में फॉर्म अप्लाई हो चुके थे, परंतु ये भर्ती बीच में रोक दी गई। आप सभी को बताया भी होगा, मैंने भी नोटिस डाला था, आप सभी को एक अपडेट भी डाल दिया था मैंने। जो भी अपडेट आता है तो आपको टाइम टू टाइम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आज क्या अपडेट आया आप सभी के बीच में, कल कोर्ट ने और हरियाणा सरकार ने क्या फैसला लिया इस भर्ती के ऊपर, वो भी आप सभी को पता होना चाहिए। अगर किसी भाई और बहन ने अगर फॉर्म अप्लाई कर रखा है, या आपके किसी छोटे भाई ने, बड़े भाई ने, किसी ने भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो उसको भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको पूरा अपडेट मिलना चाहिए कि इस भर्ती का क्या प्रोसेस चल रहा है, तो आपको भी पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अपना एक ऐसा, हरियाणा का मात्र एक ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है कि पूरा अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है इस चैनल पर। क्योंकि दोस्तों अगर कहीं से भी अगर एक पोस्ट का भी नोटिफिकेशन आता है कहीं से भी पूरे हरियाणा में डिसीलेट जॉब्स का, वो भी आप हमारे चैनल पर देखते हैं। हरियाणा का एकमात्र ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है कि कहीं से भी कोई भी अपडेट आए तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे तो भर्ती जिस दिन कैंसिल हुई, नोटिस आया तो अभी टेंशन में आ गए, सर इसके ऊपर आप बताइए ये सच है झूठ है, इतनी टेंशन मत लो यार, आपका छोटा भाई आ गया अब ग्राउंड में आप सभी की टेंशन लेने के लिए। जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी के बीच में लेकर आऊँगा, जब तक नहीं लेकर आता जब तक वो ऑफिशियल नहीं हो जाता, पूरी चीज़ जब भी आपके बीच में लेकर आता हूँ, जब हमें हमारे पास भी कुछ ऑफिशियल सबूत मिल जाए, अगर यह ऑफिशियल नोटिस आता है वो हमें प्रोवाइड हो जाए। ओके, तो तब तक आप वेट किया करो, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा तो आपको टाइम टू टाइम मैं डेली प्रोवाइड करता हूं, और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिलती रहे इसी टाइप से, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि आपको एक चीज बता देता हूं, हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, क्योंकि हरियाणा में डेली किसी ना किसी जिले में डेली डिसीलेट जॉब्स के साथ होमगार्ड का भी अपडेट आने वाला है। कि होमगार्ड का कल परसों भी अपडेट आया था, काफ़ी यूट्यूबर्स ने क्या बताया, हमने क्या बताया, वो भी आप जानकारी देख सकते हैं। क्योंकि होमगार्ड का भी अपडेट आप सभी के बीच में बहुत जल्द आने वाला है। मेरे को सभी भर्तियाँ याद रहती हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, मैं सभी भर्तियों को सर्च करता हूँ, उसके ऊपर हमारी टीम वर्क कर रही है, तब जाके आपके बीच में सारे अपडेट आते हैं। क्योंकि होमगार्ड की भर्ती का अपडेट आने वाला आप सभी के बीच में, आंगनबाड़ी विभाग का अपडेट आने वाला है बहुत ही जल्द, काफ़ी ऐसे जिले हैं जिसमें आंगनबाड़ी भर्ती भी आएगी सभी बहनों के लिए। और साथ में ड्राइवर की एक भर्ती थी, आप सभी को याद हो हरियाणा के अंदर पुलिस के अंदर ड्राइवर की भर्ती थी, वो का भी अपडेट आने वाला है बहुत जल्द, कुछ न्यू अपडेट आप सभी को देखने को मिलेगा। साथ में एम्बुलेंस ड्राइवर की भर्ती का भी अपडेट आने वाला है। एम्बुलेंस ड्राइवर की भर्ती आप सभी को पता होगा काफी लंबे टाइम से उसको भी पेंडिंग में डाल दिया नोटिफिकेशन निकालकर, उसका भी कुछ नहीं हो रहा, वो भी आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इन सारी चीजों पर हरियाणा गवर्नमेंट ने सारी भर्तियों के लेकर क्या फैसला लिया है कि हरियाणा में ड्राइवर कंडक्टर और हेल्पर की पोस्ट के लिए जो भर्ती चल रही थी कल, उसका क्या फैसला है, भर्ती होगी आगे प्रोसेस होगा। सभी मेरे भाई और बहन ध्यान से सुन लेना, ये भर्ती आगे प्रोसेस होगी, इसको कैंसिल नहीं किया गया। आप सभी की खुशी के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई आप सभी के बीच में, बहुत अच्छी बात है कि इस भर्ती को कैंसिल नहीं किया गया, क्योंकि काफी ऐसे प्रयास भी हुए थे कि इस भर्ती को कैंसिल भी करा जा रहा था, परंतु ये भर्ती कैंसिल नहीं हुई, इसको आगे प्रोसेस करवाया जाएगा। अगर किसी भाई और बहन ने इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया, अगर वो रह गया, तो इसको दोबारा से रीओपन किया जाएगा। कल इन्होंने ये भी कहा है कि काफ़ी ऐसे जो जिले थे जिसके अंदर फॉर्म की लास्ट डेट नहीं हुई थी और पहले भर्ती को रोक दिया गया, बंद कर दी गई, तो इन जिलों में भर्ती जो कंप्लीट नहीं हुई उनको और टाइम दिया जाएगा, और जैसा कोई भी अपडेट आएगा तो आपको न्यू अपडेट मैं दे दूंगा।
आगे इन्होंने क्या कहा है कि अगली जो सुनवाई होगी कोर्ट की वो मान के चलो 5 से 10 तारीख के बीच में इनकी कोर्ट की सुनवाई होने वाली है, उसके अंदर क्या फैसला आता है और मई के अंदर ये भर्ती दोबारा से प्रोसेस में आएगी। दोस्तों अप्रैल महीने में ये भर्ती कुछ भी प्रोसेस में नहीं होगी, इसको ऐसे ही रोक दिया गया है। 5 मई के बाद इस भर्ती को प्रोसेस में आना पड़ेगा और 5 मई के बाद इस भर्ती का जो भी प्रोसेस आएगा, क्यों कौन से जिले में क्या अपडेट आ रहा है, पूरा आपको अपडेट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो इसलिए जो भी अपडेट आएगा कि कौन से जिले में लास्ट डेट क्या है, दोबारा से रीओपन होगा, जो भी मेरे भाई और बहन अगर इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाया, इस बार रह गया, तो आगे जो भी रीओपन होगा उस टाइम आप इस फॉर्म को भरना और तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए पुराना, कंडक्टर के लिए आपको कंडक्टरी लाइसेंस होना चाहिए और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। तो एक्सपीरियंस भी आप अपना कहीं से भी कुछ भी करें, एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए, साथ में हेल्पर की पोस्ट के लिए भी अपने डॉक्यूमेंट है सारे, वो मैंने बता रखे हैं। उसी टाइप से आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से 10वीं पास होना चाहिए तीनों में और अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें। उसके बाद जैसे ही मई के अंदर रीओपन फॉर्म होता है तो आपको न्यू अपडेट मिल जाएगा, उस टाइम आप इस फॉर्म को अप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अगर आपको हरियाणा के अंदर जॉब मिल जाए वो भी सीधी, कोई भी उसमें पेपर नहीं देना, कुछ नहीं देना, ओनली डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाएगी। अगर कोई भी भाई और बहन अगर इसमें लगना चाहता है हरियाणा रोडवेज के अंदर, तो बिल्कुल आसानी से इस चीज़ को अप्लाई भी कर सकता है। ओके, अगर आपको बढ़िया नोटिफिकेशन लगा, बढ़िया से बढ़िया अपडेट डेली इसी टाइप से आपको मिलते रहे, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों मैं बता देता हूं, हमारे चैनल पर डेली आपको कुछ ना कुछ न्यू चीजें देखने को मिलेगी। क्या अभी तक किसी यूट्यूबर ने बताया कि हरियाणा रोडवेज के भर्ती के अंदर क्या अपडेट आया है, क्या न्यू अपडेट आया है, अभी तक किसी ने भी बताया हो तो? दोस्तों पहले अभी भी बता रहा हूं कि जो भी मेरा भाई और बहन अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो जरूर से जरूर आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों यहां से आपको ऐसे ऐसे अपडेट देखने को मिल जाएगा कि किसी यूट्यूबर ने आज तक बताया नहीं होगा। ये अपडेट भी किसी भी यूट्यूबर ने अभी नहीं बताया, आपका छोटा भाई, आपका जो भी, सबसे पहले सबसे फास्ट अपडेट लेके आता हूं जो भी अपडेट आता है, क्योंकि ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। काफी यूट्यूबर सोचते हैं कि ये क्या बताना हुआ, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी भर्ती, आपको जॉब चाहिए कि किस भर्ती में क्या प्रोसेस चल रहा है। ये भी अपडेट आप सभी तक पहुंचाना मेरा फर्ज था। अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि दोस्तों ये नोटिस आप तक पहुंचाना सही था या नहीं था, क्योंकि ऐसे ऐसे अपडेट आपको डेली मिलते रहे, जो भी अपडेट आएगा आप तक सीधा पहुंचता रहे। तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड कर रखा है आप सभी के लिए, वहां पर हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी ऐड है, वहां पर आप भी ऐड हो सकते हो। एक तो वहां पर आपको 24 घंटे न्यू अपडेट्स देखने को मिलेंगे, साथ में फॉर्म भरते टाइम आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बेझिझक होकर मैसेज करें टेलीग्राम पर, जो हमारी टीम है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आप सभी को बताया जाएगा। अगर दोस्तों आपको बढ़िया अपडेट चाहिए, बढ़िया नोटिफिकेशन लगा, आपका छोटा भाई इसी प्रकार से न्यू अपडेट डेली आपको तक पहुंचाता रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।